भागलपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 8 सदस्यों को दबोचा। विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत ढाबा के उत्तर बगीचा में अपराध के उद्देश्य से कई संदिग्ध लोग इकट्ठा हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसपी सिटी की निगरानी में विधि व्यवस्था डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा छापामारी की गई, तो मौके से 8 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि पकड़े गए चोरों के कब्जे से पुलिस ने 3 बाइक, 1 लैपटॉप, एलईडी टीवी, पीतल की मूर्ति, चांदी के आभूषण के साथ भारी मात्रा में कीमती कपड़े भी बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए 8 अपराधी में से बासुकी, मन्नू, तवरेज, काले, शहबाज, संजय चौधरी सहित 6 अपराधी कई थानों के कई कांडों में शामिल अपराधी हैं, जो आसपास के राज्यों में भी सक्रिय हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। पास थाना अंतर्गत अंतर्राज्यीय चोरों का एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, उससे संबंधित है। इसमें आए दिन जो है पिछले कुछ दिनों में गृहवेदन का कुछ घटना हमारे शहर में घटी थी। मामले को संज्ञान लेते हुए सीनियर एसपी सर के द्वारा सिटी एसपी सर के निगरानी में और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई। टीम ने जो है गुप्त और तकनीकी रूप से काम किया और सूचना के आधार पर कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है बाईपास थाने क्षेत्र से, जिनके पास से जो है बाइक 3 पकड़ा है, 1 जो है लैपटॉप है, 1 एलईडी है, चांदी के कुछ आभूषण हैं, मोबाइल हैं, जो 7 मोबाइल हैं इनके पास से, 1 स्क्रू ड्राइवर, लोहे का एक गोछनी जो है पकड़ाया गया है, लोहे का एक पाइप है, चार्जर, पीतल की एक मूर्ति मिली है और भारी मात्रा में कपड़े मिले हैं इन लोगों के पास से। गिरफ्तार लोगों के नाम मैं बता दे रहा हूँ। इनमें से पहला है जो कि बासुकी भगत हैं, नया टोला बैजानी के, मन्नू शाह ये बड़ी नीमा, ये दोनों बाईपास थाने के ही हैं, मोहम्मद काले साकिन मुस्तफापुर के हैं, ये मोहम्मद तबरेज ये भी मुस्तफापुर के हैं, मोहम्मद शहबाज ये भी मुस्तफापुर के हैं, तीनों थाना बरारी, राजीव शाह ये थाना कजरैली के हैं, अरविंद कुमार ये भी कजरैली थाना के हैं, संजय चौधरी ये धरहरा मुंगेर के हैं, ये आखिरी गिरफ्तारी थी। इनमें से कुछ लोगों के आपराधिक इतिहास भी हैं, जिसमें से मोहम्मद तबरेज उर्फ वैज्ञानिक जो इनका नाम है, इनके पास से जो है टोटल 8 आपराधिक इतिहास का पता चला है, जिसमें कि बरारी कांड संख्या 1129/22, बरारी कांड संख्या 190/24, बरारी कांड संख्या 644/2002 का एक कांड है, और एक बरारी थाना के कांड संख्या 641/2003, बरारी कांड संख्या 180/12, बरारी कांड संख्या 222/2016, बरारी कांड संख्या 232/2014, तिलका मांझी कांड संख्या 701/2018, बासुकी भगत इनके पास से भी 5 आपराधिक इतिहास पता चला है। पहला है बाईपास थाना कांड संख्या 134/2021, बाईपास कांड संख्या 14/2021-2024, बाईपास कांड संख्या 129/23, और इसके अलावा 2 जगदीशपुर के भी कांड इन पर दर्ज है, 269/14 and 430/13। मोहम्मद काले पे जो आपराधिक इतिहास पता चला है, इनमें से बरारी थाना का कांड संख्या 1122/2023 का कांड है, और बरारी कांड संख्या 613/2022 का कांड है। इन लोगों की गिरफ्तारी से जो शहर के जो है अभी तक पाँच कांडों का उद्भेदन हुआ है, जिसके बारे में फिलहाल पता चला है, जिसमें कि जोगसर कांड संख्या 59/24 जो कि इसी साल का है, 175/24, हबीबपुर कांड संख्या 77/24, सनोखर कांड संख्या 71/24 और 72/24। इसके अलावा जो है ये राज्य के बाहर में जो है वेस्ट बंगाल के मिर्जा चौकी में भी घटना का अंजाम दे चुके हैं, झारखंड के साहेबगंज में भी घटना का अंजाम दे चुके हैं। छापेमारी दल में जो है नेतृत्व करने वाले थाना अध्यक्ष सूरज कुमार वैभव, इनके साथ DIU टीम के प्रभारी रंजीत कुमार थे, सब इंस्पेक्टर बैजनाथ प्रताप, सब इंस्पेक्टर सूरज भूषण, सुशील गरी, प्रमोद राम, सुशील राज DIU, एजाज रिजवी DIU और अजय कुमार ASI बाईपास थाना, इसके साथ में सिपाही बच्चन राम भी
ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस, एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बचपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।